आज मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की डिस्क पैड कैसे चेंज होती है। सबसे पहले गाड़ी को जैक पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद व्हील को निकाल लेंगे नटों को खोल के, उसके बाद ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर की कैप को खोल दिया जाता है क्योंकि पैड चेंज होने के बाद फ्लूइड का लेवल ऊपर आता है। फिर पेचकस की हेल्प से डिस्क पैड को रोटर से थोड़ा दूर किया जाता है ताकि उनको निकालने में थोड़ी इजीनेस हो। ये देख रहे हो फ्लूइड का लेवल ऊपर आ गया ना पैड को दूर करते ही रोटर से। कैलिपर में दो नट होते हैं, उन दोनों नटों को खोला जाता है। अब अगेन पेचकस की हेल्प से दोनों पैड को रोटर से अलग करके बाहर निकाल लेते हैं। जो किसी भी डिस्क पैड दो पत्ती हैं इनको भी निकालना पड़ता है। फिर अब जो मैं प्रोसेस करा रहा हूँ इसे टर्निंग कहते हैं, काफी मैकेनिक नहीं करेंगे, और इसको घिसना इसलिए जरूरी है ताकि जो नई पैड है उसके ऊपर ये अच्छे से काम करे इसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए, और ये अंदर बाहर दोनों साइड होता है। अब डिस्क पैड को अंदर डालें जो दोनों नई वाली है, और उसके बाद कैलिपर पिंस में ग्रीसिंग की जाती है ताकि गड्ढों में ये आवाज़ ना करे, तो इसकी अलग ग्रीसिंग। फिर कैलिपर को फिक्स करके स्टड्स पे बची हुई ग्रीसिंग लगा दी ताकि नट में जंग ना लगे, जब कभी खोलना हो तो इजीली खुल जाए। और ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर की कैप को वापस टाइट कर दिया, बचा हुआ फ्लूइड नीचे गिर चुका था पहले ही। और लास्ट में व्हील को फिक्स कर दिया।